सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा है कि मैं मेरी वीडियो में कुछ डिफरेंट करूं, तो क्या करूं ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ भी ड्रॉ या फिर पेंट करने का कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट करूं, जैसे मेरा मतलब ये है कि मैं मेरी स्टडी टेबल को वेल ऑर्गेनाइज करूँगी, उसकी मैं वीडियो बनाऊँगी। वो वीडियो आप देख ही रहे हो, तो अगर आपको ये वीडियो एंड तक अच्छी लगती है तो आपको पता है आपको क्या दबाना है। देन जो लोग नए नए आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, उन सबको एक रेड बटन नीचे है मेरे चैनल के नाम के पास में, उसको दबाना है। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स है वो बस मेरी वीडियो को एंजॉय करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है मेरी स्टडी टेबल, इसकी ये सारी ड्रॉर्स जो हमें आज ऑर्गेनाइज करनी है। सो ये पेपर्स रखे हैं हमने ताकि हम इन चारों ड्रॉर्स के अंदर अच्छे से इनको रख कर उनके ऊपर हमारे जो भी मटेरियल्स हैं हम उन सबको रख सकें। हमारे पास कॉलिन है, देन हमारे पास एक डस्टी नैपकिन है जिससे हम ड्रॉर्स को क्लीन करेंगे। तो मैंने सबसे पहली वाली जो ड्रॉर थी उसके सारे मटेरियल मैंने हटा के दूसरी जगह रख दिए हैं, और इसको अब हम साफ़ कर देते हैं। तो अब हमें एक पेपर रखना है इसके ऊपर। अब हम इस ड्रॉर को बंद कर देते हैं। देन सेकंड ड्रॉर, इसके अंदर मेरे सारे ड्राइंग मटेरियल है, इसको इन सारे ड्राइंग मटेरियल को हमें यहाँ पे ऊपर रखना है। तो चलिए रखते हैं। मिनी कैनवास बोर्ड। सो इसके अंदर मेरे बहुत सारे कलर्स हैं, इन सब को मैं उठा के लाती हूँ। सो हमने इस बॉक्स को उठा के लाया। मेरे हर तरह के ब्रशेज और हर तरह के कलर्स रखे हैं इसमें। इसका टूर मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊँगी, मेन हमें अभी इस पर फोकस करना है। सो अब हमें कॉलिन को यूज़ करना पड़ेगा। अब हमें एक और पेपर रखना है। ये ड्रॉर पूरी हो गई है, अब इन दोनों ड्रॉर की बाकी है। तो हम इन दोनों को एक चुटकी में ही कर देते हैं। तो इसके अंदर से मेरे बहुत सारे वाइट पेपर्स मिल गए मुझे। देन वन मोर कलर बॉक्स। सो मेरी आधी टेबल तो मेरे कलर से ही भर चुकी है, तो इस पेपर को हमें रख देना चाहिए साइड में, और हमारा डस्टी कपड़ा में यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। सो पेपर की बारी वापस आ चुकी है, वापस हमें पेपर रखना है। सो हमें अब बंद करना चाहिए इसको। अब लास्ट ड्रॉर की बारी है जिसके अंदर मेरी दुनिया भर की सारी ड्राइंग्स भरी हुई है, और यहाँ पे मेरे सारे पेपर्स रखे हैं। तो इन दोनों को ही खाली करना है अब। तो चलो, सो दिस इज़ माय पेपर फोल्डर।
के अंदर मुझे बहुत सारे पता नहीं चलते हैं स्टिकर्स और वो सब। देन यहाँ पर हमारे पास ब्राउन कवर है, मेरी कुछ पुरानी नोटबुक्स ये क्या मिला मुझे, मेरी बचपन की ड्राइंग, मतलब और बचपन की ड्राइंग। देन इसके अंदर मेरी सारी ड्राइंग्स हैं जिस जो मैंने मतलब जब मैं बहुत छोटी थी और अब की जनरेशन मतलब जो एज तब से मैं बना रही हूँ ड्राइंग, वो सारी ड्राइंग मैंने रख रखी है इसके अंदर। तो इसको तो अभी हम थोड़ा साइड में रखते हैं। जैसे कि ये ड्राइंग आपको याद होगी, याद तो होगी, फट चुकी है। देन ये एक और मेरा फोल्डर है ड्राइंग का, कितने सारे फोल्डर हैं ना यहाँ पे, ब्राउन कवर्स, मेरे पास एक और जायंट ड्राइंग बुक है जिसके अंदर बहुत सारी ड्राइंग बनाई रखी है मैंने। सो हमने यहाँ पर वही प्रोसेस करा है, हमने उस कपड़े से साफ करा है, देन न्यू पेपर रखा है यहाँ पर। सो ये हो गई, अब इन चारों को हमने अच्छे से क्लीन करा है। अब जो ये सब सामान है हमको इन चारों ड्रॉर में एक अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज करना है। सो हम सबसे लास्ट वाले से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो मैंने आपको दिखाया था बड़ा सा फोल्डर मेरी सारी ड्राइंग्स का, उसको हम यहाँ पर रखते हैं। अब हमें ब्राउन कवर रखना है यहाँ पर। हम एक एक करके यहाँ पे सारे सामान रख देते हैं जो हमने पहले यहाँ पर रखे थे। सो हमने इसको अच्छे से जमा दिया है। अब इस वाली ड्रॉर की बारी है। सो फ्रेंड्स ये भी हो गई हमारी, तो अब हम इसको बंद कर देते हैं। देन इसको खोलते हैं, इसके अंदर मेरी सारे कलर्स आएंगे। तो चलिए अब इन सारे कलर्स को हम रखेंगे अब अंदर। सो हमने इस बॉक्स को अंदर से थोड़ा साफ करके इसके अंदर सामान वापस रखे हैं। देन हम इसको बंद कर देते हैं। अब इस बॉक्स को हमें अंदर रखना है, हमने रख दिया। अभी ये सारे सामान भी हमें इसके अंदर रखना है। इसके अंदर सारे बड़े बड़े एक्रेलिक कलर हैं, मेरा ब्लैक कलर ख़त्म हो गया था इसलिए मैं एक और ले आई थी। फिर हम मिनी कैनवास बोर्ड भी रख देते हैं। इन बॉक्स को रखते हैं, इसके अंदर मेरी सारी पंचिंग मशीन, स्टेपनर और इसके अंदर मेरे सारे स्केच पेन्स हैं। हम यहाँ पे रख लें। देन इसके अंदर तो आपने YouTube शॉर्ट्स में भी देखा होगा, इसके अंदर मेरे सारे डॉम्स के ब्रश पेन हैं और इसके अंदर मेरे सारे फैंसी पेन हैं। सो ये तो पेंटिंग के लिए कप बना रखा है मैंने। ओ हमारे एक्रेलिक पेंट्स, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। एक्रेलिक पेंट्स को हम अंदर रखते हैं। एक और कलर है, इसको यहाँ पे रख देते हैं। हमारे ये जो वाइट पेज है इसको हम इससे लगाएंगे। हम सब काम पहले सिस्टमेटिकली कर देते हैं। सो हमने इनको लगा दिया है, हम इनको इस ड्रॉअर में रखेंगे ताकि ये अलग सेपरेट रहेंगे। मेरा बॉक्स, तो हमने ये ड्रॉअर अच्छे से जमा दिया। इस ड्रॉर के अंदर हमें मेरी सारी स्टडी मटेरियल रखना है, तो मेरी सारी बुक्स एंड नोटबुक्स इसके अंदर रख देती हूँ और मेरे बॉक्स और सब कुछ
सो हमने ये डॉल भी जमा दी है अच्छे से। हमारी सारी डॉल अच्छे से जम चुकी है, बिल्कुल अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, हमारी सारी डॉल्स अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज हो चुकी है और अभी वीडियो भी ख़त्म हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टार्टिंग से एंड तक अच्छी लगी है तो इसके लिए लाइक, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब, और ये किसी को आप भेजना चाहते हैं तो शेयर। सो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और डिफरेंट वीडियो में। बाकी आप मेरी शॉर्ट्स तो देखते ही हो, तो शॉर्ट्स में भी मैं आपको बता दूँगी। सो बाय फ्रेंड्स।